जी नाजरीन, हम मौजूद हैं उमरकोट छाछरो रोड पर। ये उमरकोट छाछरो रोड जो दो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, इस रोड के दोनों इतराफ आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आकर के बसी है। ये वो लोग हैं जो सांगड़, मीरपुर खास, लाड़पट्टी जो है बदीन की, वहाँ से होते हुए ये तमाम जो इलाका है ये डूब चुका है। हैदराबाद के निचले हिस्से का जो भी इलाका है जिसमें टंडो अलायार भी आ जाता है और दीगर अजला भी आ जाते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर वहाँ से हिजरत करके अपने मासूम बच्चों को और अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए सैलाब की वजह से यहाँ पर आकर के ठहरे हुए हैं। दो हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है यहाँ पर, जहाँ पर हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, 1600 से ज़ायद लोग यहाँ पर इस सैलाब से मुतासर होकर के पहुँचे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हुकूमत सिंध की तरफ से और PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर जो भी इदारे हैं, आलमी डोनर इदारे, उनकी तरफ से जो भी फंड्स मिले हैं वो करोड़ों में हैं, जिसमें टेंट्स हैं और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियाँ हैं, साथ में साफ पीने का पानी और खाद खुराक है। उसके साथ साथ मेडिकल की भी अद्वियात और दीगर सहूलियात हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग गुज़िश्ता दो हफ्तों से यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो मुयसर करना तो दूर की बात है, लेकिन आप ये सुनकर बड़े अफसरदा हो जाएंगे कि इनको पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। कहते हैं कि करोड़ों रुपए हुकूमत सिंध ने जारी कर दिए हैं, और यहाँ पर जब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने विज़िट की तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने वज़ीर आला सिंध को अपनी ब्रीफिंग में यह बताया, DC उमरकोट ने, कि यहाँ पर 6400 टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप पस मंज़र में देखें कि ये प्लास्टिक लगी हुई है, रिलियाँ बांधी हुई हैं, घर के लोगों ने, औरतों ने अपनी जो दुपट्टे हैं वो बंद के रखे हुए हैं, मासूम बच्चे यहाँ पर भूखे अफलास में तड़प रहे हैं, कोई इनका पुरुषों ने हाल नहीं है। साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने सिंध के वज़ीर आला को ये भी बताया था कि 7000 मच्छरदानियाँ इन मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट की है। आप देखें इस पूरी कैंप में कहीं पर भी आपको मच्छरदानी नज़र नहीं आएगी। साथ में डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने ब्रीफिंग में ये भी कहा कि 2000 से ज़ायद जो एनिमल नेट शीट्स हैं, यानी जो लाइव स्टॉक है उसको बचाने के लिए भी मच्छरदानियाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 2000 पीने के साफ पानी के बड़े केन वो भी इन लोगों को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जो थर के इस बड़े टेले पर जो छाछरो रूट को जाता है बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले हैं, इनको दो वक्त की रोटी खाना पीना भी टाइम पर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी इंतहा दर्जे की मायूस कुन सूरत हाल में जो एक छोटा सा सूरज चमकता हुआ, एक छोटा सा चांद चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है, वो है इस इलाके का और बड़े सगीर के रूहानी जमायत के बड़े पीर और एक बड़े पीर की गादी का, के जिसका ताल्लुक है राशिदिया ख़ानदान से। जो मौजूदा पीर पगारा है, पीर हजरत पीर सबतुल्लाह शाह राशिदी, जो पीर पगारा है और इस वक्त गद्दी पर मौजूद है, जब उसने अपने हुर नौजवानों को हुक्म किया कि ये सैलाब मुतासरीन के जो लोग हैं इनकी मदद करनी है, तो आपको एक बड़ा तजब होगा कि इस दूर दराज सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पर कोई किस्म की कोई जनरल जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ किस्म के जो सहूलियात हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। मगर उन हुर फकीरों ने अपने मुर्शिद के हुक्म पर लबैक करते हुए तमाम तर जो अपनी तवानाइयाँ हैं वो इन मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च करना शुरू कर दिए।
आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर इस रोड की इस तरफ आपको एक बड़ी मार्केट नजर आएगी जो डॉक्टर गुलाम रसूल मंगरियो की है। उसने अपनी मार्केट पूरी इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दे दी है, जिसमें हुकूमत सिंध के साथ मिलकर जो PPHI का इदारा काम कर रहा है उसने अपनी एक बहुत बड़ी मेडिकल कैंप लगाई हुई है। यहाँ पर सैलाब जदगान को अद्वियात दी जाती हैं, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज इस कैंप में एक सैलाब मुतासर गरीब औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन हुकूमत सिंध और उसके वज़रा और उसके MNAs MPAs जिनकी ये कह सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन खोटे, ऐलानात तो बहुत किए हैं कि हमने यहाँ पर दूध की नदियाँ बहा दी हैं, लेकिन दर हकीकत प्रैक्टिकली इसके बिल्कुल बरक्स है। कोई एविडेंस नहीं है। आप एक पूरी टीम बना करके इस इलाके को विजिट करवाएं तो नतीजा हुकूमत सिंध की सहूलियात का डबल ज़ीरो नज़र आएगा। मुखियर हजरात ने, यहाँ के इलाके के लोगों ने, यहाँ के जो दीवान हैं उन्होंने, और नौजवान फोरम के लोगों ने, और जमायत के जो मुखियर हजरात हैं वो अपनी मदद आपके तहत साफ पानी के टैंकर ला रहे हैं, शाम सुबह खाना भी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं और इनकी देखभाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत सिंध के रजाकार या कोई और डिपार्टमेंट्स के लोग, रेवेन्यू के लोग, DC SDM मुख्तियारकार वो तो सिर्फ खाना पूरी करने में पूरे हैं, एक पूरा फिगर बना रहे हैं, उस एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें झूठे नाम डाल करके और लोगों को ये बता देते हैं कि पैसा खर्च हो गया, टेंट्स खर्च हो गए, मच्छरदानियाँ बांट दी गई, करोड़ों रुपये PDMA और हुकूमत सिंध की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उमरकोट को मिले हैं, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले कि हम आपसे इस वीडियो में इजाज़त लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे YouTube चैनल थर था को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे शेयर करें और कमेंट करें। जी वो आ रहा है।